हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इससे पहले टाइम एंड टेंस की चर्चा करते हुए मैंने आपके सामने इससे संबंधित कुछ अफरा तफरी, कुछ भ्रम की बातें रखी थी। बच्चे इसको कंसेप्ट समझते हैं जबकि ये कंसेप्ट से कोशो दूर है। फिर मैंने आपको बताया कि टाइम एंड टेंस में हम जहाँ पर टाइम में क्वालिटी की बात करते हैं और टेंस में एक्शन की बात करते हैं। फिर मैंने एक्शन के संदर्भ में वर्ब की कैटेगराइजेशन पर बात की, जहाँ मैंने आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक नॉर्मल सी जानकारी दी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अगर एक साथ किसी सेंटेंस में मौजूद है तो हम सारे के सारे नॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब पर लगाएंगे और मेन वर्ब सेंटेंस में वैसे ही रहेगा जैसे वो रखा गया है। उसके बाद अगर मेन वर्ब हमारे सेंटेंस में अकेले आता है तो सारे के सारे नॉर्म्स सभी मेन वर्ब पर लगाए जाएंगे, और अगर उस संदर्भ में कभी भी नेगेटिव, इंटरोगेटिव या किसी भी स्पेशल कैटेगरीज के सेंटेंस को क्रिएट करने के दौरान हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में लाएंगे और उसी नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जो मेन वर्ब पर है, और वो ट्रांसफर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पर और मेन वर्ब हमारे नॉर्मल फॉर्म में हमारे सेंटेंस में दिखेगा। चलिए अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं, और इसके दौरान फिर हमने एक एपिसोड में बात की मेन वर्ब को पहचानने के तरीके के तौर पर, कि हमने आपको बताया कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म हैं और उसे कैसे पहचानते हैं। चलिए मैं इस पर एक क्विक रिव्यू देता हूं, देखा जाए। यहां पर पिछले दिन जो मैंने चर्चा की, जब मैंने बताया कि मेन वर्ब को 5 कैटेगरीज में रखा गया है, डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, इसके जो फॉर्म्स हैं V1, V2, V3, V4 और V5। हमने यहां पर कहा कि V1 ओरिजिनल फॉर्म है। अगर आप किसी हिंदी या फिर एक्शन इंडिकेट करने वाले वर्ड को इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड में रखते हैं जहां पर उस पर कुछ भी एडिशनल नहीं जोड़ा जाता है, वो आपका ओरिजिनल फॉर्म होता है। जैसे आप प्ले लिखते हैं, और अगर इससे आप किसी एक्शन का काम करते हैं, इसको एक्शन रिप्रेजेंट कराने के लिए यूज करते हैं, तो ये आपका पहला फॉर्म होगा। अगर आप वॉक लिखते हैं और इससे भी आप वर्ब के रूप में अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये भी पहला फॉर्म होगा। इसी तरीके से आप अन्य सभी शब्दों को भी जो एक्शन इंडिकेट कर सकते हैं उनको देख सकते हैं। वर्ब के दूसरे फॉर्म के लिए हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ईडी ऐड करते हैं, और इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम सेंटेंस में लिखते हैं आई प्लेड, और यहां पर ये प्लेड एक्शन को निरूपित कर रहा है, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है और यहां पर ईडी लगा हुआ है, इसलिए ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। जब हम लिखते हैं आई वॉक्ड, तब भी यहां पर ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है, ये भी वर्ब का दूसरा फॉर्म है। यहां पर बच्चों को एक बात कहीं ना कहीं से उनके मन में आ रही होगी कि सर ऐसे वर्ब जिसके तीनों फॉर्म सेम है वहां पर हम कैसे पहचान सकते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। पहले हम वर्ब के तीसरे फॉर्म की बात करते हैं जहां हम वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ईडी लगाते हैं, और इसके पहले हैज, हैड और हैव में से कोई एक मौजूद होना चाहिए। अगर ये मौजूद है तो वो आपका तीसरा फॉर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई हैव प्लेड, यहां पर इसके पहले हैव लगा हुआ है, इसमें ईडी है, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ही हैड डन, यहां पर भी ये तीसरा फॉर्म है, इसके पहले हैड लगा हुआ है। उसके बाद देखा जाए सीता हैज कंपोज्ड अ म्यूजिक, यहां पर हैज लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, इसलिए ये तीसरा फॉर्म है। चलिए जब हम चौथे फॉर्म की बात करते हैं, वर्ब वन के साथ आईएनजी लगाते हैं और इसके पहले ये जरूरी है कि इज, आर, एम, वॉज, वर, बी और बिन में से कोई एक मौजूद होना चाहिए। इसकी अनुपस्थिति पर आप इसे हेल्पिंग वर्ब के बिना जो आईएनजी है उसे आप कभी भी फोर्थ फॉर्म नहीं कहेंगे, वो वर्ब को इंडिकेट नहीं करता है। जैसे यहां पर देखा जाए कि अगर हम लिखते हैं सी इज डांसिंग, यहां पर आईएनजी है और इसके पहले इज लगा हुआ है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अगर आप कहते हैं रोहन इज वॉकिंग,
अब यहां पर भी देखिए कि ing लगा हुआ है और इसके पहले is है, तो इसे आप verb का fourth form कहेंगे। जैसे कहेगा I'll be going, यहां ing है और इसके पहले भी be लगा हुआ है, ये भी fourth form है। और अगर किसी ने लिखा है Sohan has been playing, यहां भी देखा जाए कि ing लगा हुआ है और इसके पहले been लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा verb का fourth form है। चलिए अब हम verb के fifth form की बात करते हैं। यहां पर तो verb के पांचवें form के लिए verb के पहले form के साथ s या es लगाना है और इसे हम verb का fifth form मानते हैं। जैसे कहा he plays, जैसे कहा गया गीतिका walks, यहां जितने भी हैं ये verb के पांचवें form है। अब अभी तुरंत पहले मैंने एक सवाल की बात की थी कि बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि सर जहां पर verb का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों form अलग अलग है उसे तो हम पहचान जाते हैं, जैसे कि eat, ate और eaten है तो इसे मैं पहचान जाता हूं, लेकिन ऐसे भी form है जहां पर जिसके तीनों form सेम है, जैसे cut को लिया जाए, इसके v1 भी cut है, v2 में भी cut का यूज करते हैं और v3 के लिए भी cut का यूज किया जाता है। ऐसे verb के साथ भी जब आप sentence बनाते हैं तो वहां पर भी आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। देखा जाए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है he cut, तब आप सीधा समझिए कि इसमें s या es नहीं है, इसलिए ये verb का fifth form नहीं है। इसमें ing नहीं है और इसके पहले किसी भी helping verb यानी is, are, was, were की चर्चा नहीं है, इसलिए ये fourth form नहीं है। चूंकि ये he है, singular है और इसके साथ ये verb का प्लुरल फॉर्म जो कि नॉर्मल है वो पहला नहीं है। इसमें हैज हैव का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें तीसरा नहीं है, इसीलिए ये आपका जो फॉर्म होगा ये वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आप ये भी पहचान सकते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब दिया हुआ है जिसके तीनों फॉर्म सेम है तो उन तीनों फॉर्म में भी आप ये डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्म सेंटेंस में यूज किया गया है, वर्ब का पहला, दूसरा या तीसरा। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को तब होती है जबकि अगर यहां पर देखा जाए कि ही कट नहीं लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है दे कट। अगर यहां पर दे कट लिखा हुआ है तब बंधु ये वर्ब का पहला फॉर्म भी होगा और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म भी होगा। यहां पर आगे और पीछे आने वाले सेंटेंस के टाइम नेचर, यानी कि अगर वो पास्ट टेंस की चर्चा कर रहा है या आगे आने वाला सेंटेंस में पास्ट टाइम की चर्चा की गई है तब इसे हम V2 मानेंगे। और अगर ये सेंटेंस नॉर्मल है, मतलब प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है इसके पीछे या आगे आने वाला सेंटेंस, तब इसे हम V1 मानेंगे। यहां पर अगर ये सवाल कहीं पर भी आपको एग्जामिनेशन में दिया जा सकता है, अगर इसे पैसिव में कन्वर्ट करना होगा तो ये इज के साथ भी बन सकता है, पैसिव में कन्वर्ट हो सकता है और वॉज के साथ भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पर दोनों ऑप्शन लागू है। ये प्लुरल है, इसके प्लुरल फॉर्म भी यूज हो सकते हैं और चूंकि कट का दूसरा फॉर्म भी कट ही होता है इसीलिए यहां पर दूसरा फॉर्म भी सही है और इसे वर्ब का पहला या दूसरा माना जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहां पर कुछ विशेष चीजें आपको बताते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म प्लुरल माना जाता है। इस पर मैंने बहुत सारे बच्चों से कहा था कि अगर आपके पास इसका जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस पर कमेंट करें, मैं इसकी जानकारी जरूर दूंगा। बंधु मैं अभी इस पर जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि पहले मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की तरफ जल्दी से ले जाना चाहता हूं ताकि आप सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के आधार पर उसे कैसे क्रिएट करते हैं यह समझकर अपनी अभिव्यक्ति जो आपकी हिंदी में है उसे आप इंग्लिश में चेंज कर सकें और इंग्लिश में दी हुई अभिव्यक्ति का सेंस समझ सकें। हिंदी समझने की जरूरत यहां पर नहीं होगी। वर्ब का पांचवा फॉर्म, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सिंगुलर माना जाता है, ये सिंगुलर माना जाता है। बंधु यहां पर कोई भी ऐसी चीज जो हम भाषा में सीखते हैं ये कोड है। इसमें माना जाना मैंने इसलिए कहा कि आपको इसमें क्या परिवर्तन दिखा, एस या एस लगा देने से ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ ये एक पहचान का तरीका है कि जब हम आईएनजी किसी एक्शन वर्ड में लगाते हैं और अगर वो वर्ब एक्सप्रेस कर रहा है, अगर वो एक्शन को इंडिकेट कर रहा है तो वो उसे हम मानेंगे कि ये एक्शन
कंटिन्यूटी में है, ये एक्शन अभी चल रहा है। अगर ईडी लगा हुआ है वो दूसरे फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है तो हम यहां पर समझेंगे कि फ्रीक्वेंट एक्शन, इस पर हम विशेष बात आगे करेंगे जरूर। वर्ब का तीसरा फॉर्म जब लगा हुआ है और उसके पहले मतलब ईडी है और उसके पहले हैज हैव लगा हुआ है तो तीसरा फॉर्म है, और इससे जैसा कि आप सब भी जानते होंगे, नहीं जानते कोई बात नहीं, इस पर हम जैसे जैसे स्टेप में आगे बढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में इन सारी चीजों को मैं क्लियर करूंगा कि यहां पर हम समझ जाएंगे कि तीसरा फॉर्म होने पर वो फिनिश्ड एक्शन है। अब यहां पर रही बात कि इसीलिए वर्ब का पहला फॉर्म हम प्लूरल और पांचवा फॉर्म सिंगुलर मानते हैं। अब रही बात कि इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को ये क्लियर नहीं कराया जाता है, ये छोटी सी बात है, ये व्यवहारिक ज्ञान है। यहां पर कि कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि दूसरा तीसरा या चौथा इसको हम क्या माने, सिंगुलर माने क्या माने, ये मेरी तरफ से है। मैं आपको समझाता हूं कि आप सीधा समझिए कि वर्ब का दूसरा फॉर्म नंबर के बेस पर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि ये ना ही सिंगुलर कंसिडर करते हैं इसे और ना ही इसे प्लूरल कंसिडर करते हैं। आप यहां पर इसे किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई प्लेड, दे प्लेड, ही प्लेड, सीता वॉक, गीता वॉक, कहीं पर भी इस्तेमाल करें। आप इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि जब कभी भी आप सेंटेंस में भी टू यूज कर रहे हैं तो आपको यह सोचना पड़े कि कौन सा नंबर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का प्लूरल है। इन सारी चीजों को यहां पर बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। भी टू जब ही आया तो नंबर के बेस पर इसे ना ही प्लूरल ना ही सिंगुलर, कहीं पर भी इसे सिंगुलर प्लूरल डिसाइड नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल होता है। अब रही बात कि भी3 और भी4 की, तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये नॉट डिसाइडेड की कैटेगरी में मैं इसे रखता हूं। यहां पर हो सकता है कि आपके ग्रामर के बुक में इन चीजों की चर्चा करना बेकार है, वो क्यों करें इसकी चर्चा। मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये नॉट डिसाइडेड की कैटेगरी में रखते हैं हम। नॉट डिसाइडेड, देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक से बता रहे हैं। बंधु, मैं यहां पर जो ये वीडियो आपके लिए YouTube पर लाता हूं, मेरा यहां उद्देश्य है कि जो बच्चे, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे क्लास को देखने के लिए और आपसे इंग्लिश सीखने के लिए जो एलिजिबिलिटी मैंने रखी है वो है कि आपको ए से जेड तक आना चाहिए, देख कर पढ़ लो और सुनकर लिख लो। तो इसीलिए मैं इन चीजों को एकदम बेसिक से फोकस कर रहा हूं, दो मिनट में कुछ नहीं जाता है। आप अगर इतना समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं शायद किसी उलझन की परिस्थिति में ये आपके काम आ जाए। तो मैं जो यहां कह रहा हूं कि वर्ब का तीसरा और चौथा फॉर्म नॉट डिसाइडेड की कैटेगरी में है, आप इसको समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर कहा है कि इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा और वर्ब फोर्थ के साथ भी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। और इससे पहले के एक वीडियो में मैंने चर्चा की थी, आपको यह बताया था कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद होगा तो सारे नॉर्म्स उस पर लगाएंगे। मतलब यह है कि अगर हम भी4 के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब यह सोचेगा या हेल्पिंग वर्ब के संदर्भ में मुझे सोचना होगा कि यहां पर क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है। देखिए यहां पर मैंने ही का प्रयोग किया, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, ये सिंगल है, एक आदमी है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके साथ प्रेजेंट यूज किया तो इज लगाया, अगर मैं इसके साथ पास्ट बनाऊंगा तो वॉज लगाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर दे यूज करता हूं तो मैं अगर सिंगुलर यूज करूं, यहां पर प्लूरल यूज, सॉरी सिंगुलर नहीं, यहां पर ये प्लूरल है तो इसके साथ अगर मैं प्लूरल यूज करता हूं तो आर यूज करूंगा, दे आर प्लेइंग, और अगर इसे मैं पास्ट में यूज करूंगा तो वर्ड लगाऊंगा। ये चीज मैं यहां पर समझाया कि V1 जो है वो प्लूरल है, इसे हम प्लूरल मानते हैं। क्यों? इसका जवाब हम आगे जरूर देंगे। वर्ब का दूसरा फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर न्यूट्रल है, इसे आप कंसिडर नहीं करेंगे, ना ही नंबर के बेस पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर कि ये सिंगुलर के साथ जाएगा प्लूरल के साथ जाएगा। वर्ब का पांचवा फॉर्म जब कभी भी यूज होगा, आपका सब्जेक्ट, आपका जो नाउन यूज कर रहे हैं आप, वो ये तय कर लें कि वो सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब का तीसरा और चौथा फॉर्म हमेशा कुछ भी एक्ट नहीं करेगा सब्जेक्ट के प्रति। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है और मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मौजूद हो तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेंटेंस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब उसके नॉर्म्स फॉलो करता है। चलिए अब यहां पर इसके पहचान के बाद अब जो पहचान बचा है वो है हेल्पिंग वर्ब की, फिर इसके हम काम की बात के लिए फिर से मेन वर्ब पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल अभी परिचय के दौर में अब आपको हम परिचय हेल्पिंग वर्ब से करा दें। देखा जाए हेल्पिंग वर्ब, देखिए
जैसा कि नाम देख करके ही आपको पता लग रहा है कि हेल्पिंग से यहां पर स्पष्ट आ रहा है कि यह हेल्पिंग हैंड है, यह हेल्पर की तरह यूज होगा, मदद करेगा। अब यह बताइए कि सेंटेंस के संदर्भ में अगर हम किसी टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं और मदद करने की बात कर रहे हैं तो यह मदद क्या करेगा? मदद करेगा सेंस क्रिएट करने में। जी हां, मदद करेगा हमारे सेंटेंस का सेंस क्रिएट करने में। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब को जो कैटेगराइज किया गया और ये कहां से आया, इस पर भी कभी अगर स्पेयर टाइम बचा तो मैं वहां पर चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन मेरी, मैंने पहले कहा कि मेरा जो फोकस है, मेरी जो यहां पर जल्दी है, मैं जो कहना चाहता हूं वो बात ये है कि हम जल्दी से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, मेन कोर्स में जल्दी आ जाएं ताकि आपको न्यूज़पेपर जो इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं उसके सेंस को समझने में आपको आसानी हो। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब को जो बेसिक ग्रामर में कैटेगराइज किया गया, कहा गया प्राइमरी पहला और दूसरा किया गया मॉडल। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हेल्पिंग वर्ब जब आता है, दोनों प्रकार के हेल्पिंग वर्ब की बात मैं कह रहा हूं, तो ये सेंस लेकर सेंटेंस में आता है। जब ये सेंस लेकर के सेंटेंस में आता है तो समझ जाइए कि वो कुछ ना कुछ सेंस क्रिएट करेगा। वो कैसा सेंस है, देखिए यहां पर जब हम इसे एक्शन के साथ यूज करेंगे तो ये सेंस क्रिएट करता है, और अगर इसे नॉर्मली क्रिएट करेंगे तो ये फिर वो टाइम की बात करेगा। देखिए जब हम यहां पर इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग इसको एक्शन के साथ यूज करेंगे तो एक्शन को लेकर के वो उसका स्टेट बताएगा, और जब ये अकेले आएगा तो ये टाइम को बताएगा। ये बात मैंने पहले भी कहा है, अभी भी ध्यान रखिए कि जब तक सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है उसे फिलहाल हम टेंस की कैटेगरी में नहीं रखते, उसे हम टाइम की कैटेगरी में रखते हैं। तो बेसिकली इसे जो डिवाइड किया गया है उसे तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है, कहते हैं वर्ब डू, दूसरा है वर्ब बी और तीसरा है वर्ब हैव। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब की बात यहां पर की गई तो वर्ब डू में कहते हैं कि तीन हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं, डू, डिड और डज। बी में जब यूज करते हैं तो कहा जाता है इज आर एम और वॉज वर, और जब हैव में यूज करते हैं तो हैव, हैड और हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखा जाए मॉडल में बेसिक ग्रामर की जब बात करेंगे आप, पुराने जमाने की ग्रामर, आज से 10-15 साल पहले की जब बात करेंगे तो बस यही हेल्पिंग में दो ही कैटेगरीज थी। वहां पर वहां बताया जाता था कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू, और फिर बताया जाता था इसी में नीड, डेयर और यूज टू। अब देखिए कि जैसे 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 अब सभी विषयों का जो है समय समय पर विकास हुआ है, डेवलपमेंट सबके साथ चला है, तो यहां पर भी जब आगे जाकर के ग्रामरियन ने देखा कि इस सब को जो ये 13 है, कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर और यूज टू, इसमें देखा जाए कि ये जो 10 है, ये 10 इसका कोई भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। ये जब भी आता है सेंस देने के लिए आता है। जैसे अब देखिए कि स्पेशल सेंस लेकर के आता है, ये कैपेसिटी को बताता है, ये फ्यूचर इंडिकेट करता है, ये भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है, ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ये कंपल्सन को दिखाता है, और ये उसका जो है पास्ट के तौर पर यूज करते हैं, और ये मोरल जो है एक तरह की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। और यहां पर देखा जाए कि यह भी उसी तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि नीड, डेयर और यूज टू तीनों मेन वर्ब भी है। देखा जाए अगर आप एक संदर्भ में देखें तो नीड मतलब होता है जरूरत होना, डेयर मतलब होता है साहस करना, और यूज मतलब होता है उपयोग करना। तो ये तीनों इस सेंस में मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है।
यहां पर ये मॉडल के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो बाद में ग्रामेरियन ने, चूंकि इसका और इसका कोई एक कंप्लीट मैच नहीं था, यहां पर ये मेन वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर सकता, बट ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी एक्ट करता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करता है। तो बाद में इसे एक अलग सेक्शन में रखा गया हेल्पिंग वर्ब के तीसरे कैटेगरीज के तौर पर, जिसे कहा गया मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या सेमी मॉडल एक्सिलरीज। जी हां, या इसको और सेमी मॉडल के अंतर्गत रखा गया। अब देखा जाए कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर अगर आप ऐसे बांट देते हैं इसको, तो देखा जाए कि प्राइमरी में तीन तरीके का वर्ब डू, वर्ब बी, वर्ब हैव, और इधर मॉडल में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, और मार्जिनल में रखा गया नीड को, डेयर को और यूज टू को, यूज टू को रखा गया। अब देखिए कि इसका अलग करने का कारण बस एक ही था कि आप यहां पर नहीं कह सकते थे सीधा सीधा कि सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो नॉर्मल सेंटेंस में नॉर्मली यूज होते हैं, सभी के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे वो प्लुरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यहां पर आपको इसे चेंज करना होता है जब आप इसे मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो सीधी सी बात समझिए, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। इसके साथ थोड़ी सी लिमिटेशन है कि जब ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह आएगा, हेल्पिंग वर्ब के सारे नॉर्म्स फॉलो करेगा, और जब ये मेन वर्ब की तरह आएगा, मेन वर्ब के सारे नॉर्म्स फॉलो करेगा। मतलब ये है, अब यहां पर मैं आपको, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें विशेष आपको हम समझाते हैं, फिर मॉडल पर आएंगे। देखा जाए कि जब हम यहां पर एक बात कहते हैं आपसे कि जब हमने कहा हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब टू एलैबोरेट इट्स मीनिंग परफेक्टली, तो आप देखो जरा कि जब हम लिखते हैं आई प्ले, तो क्या यहां हेल्पिंग वर्ब है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब, आप कहोगे कि सर है, हिडन है। मैं यहां कहा कि आखिर हमने इसको जब नेगेटिव में चेंज किया तो आई डोंट प्ले ही क्यों लिखा, हमने इसे क्यों नहीं लिखा, बी इज आर एम क्यों नहीं लिखा, या हैज हैव क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे जैसा मैं समझता हूं कि आप इसका सेंस देखिए कि जब आई प्ले कहते हैं तो इसका मतलब होता है आई डू एन एक्शन कॉल्ड प्ले। यहां सीधा सा सेंस आता है करने का, फ्रिक्वेंट है, ये क्या है, किसी भी स्टेट में नहीं है। किसी भी स्टेट कहने का मतलब है कि आप देखो कि जब आप किसी कंटिन्यूस के सेंटेंस को बोलते हो तो वहां स्टेट ये होता है कि काम हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा। जब आप ये कहते हो कि आई हैव फिनिश्ड, तो मतलब ये है कि वहां पर एक स्टेट है कि काम फिनिश्ड हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन इसमें जो ये डू हम जहां जहां यूज करते हैं, जब आप आई प्ले कह रहे हो तो ये इसमें कोई स्टेट नहीं है, ये एक सिंपल है कि ये एक फ्रिक्वेंट एक्शन को शो करता है जो कभी भी होता है, जो समय की पाबंदी में नहीं है। कभी भी मैं खेलता हूं, यहां पर है कितनी देर खेलता हूं, कब खेलता हूं, कहां खेलता हूं, इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं खेल रहा हूं, इसका मतलब है कि एक्शन अभी हो रहा है। हम वहां पर टाइम की बात और एक्शन के स्टेट की बात कर रहे हैं, इन दिस टाइम आई एम प्लेइंग। अब जब कहते हैं आई एम फिनिश्ड, अब यहां पर देखिए, यहां फिनिश्ड कहने का मतलब कि आप कितनी देर पहले खत्म किए या नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने 2 सेकंड पहले खत्म किया हो, 5 सेकंड, 5 मिनट पहले खत्म किया हो, या 5 साल पहले खत्म किया हो, इससे उस सेंटेंस को कोई मतलब नहीं होता है। वहां हम स्टेट ऑफ एक्शन बताते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, और वो स्टेटस ये होता है कि वो फिनिश्ड होता है। तो यहां पर देखिए कि जब यहां करने का सेंस आता है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। अब जरा गौर किया जाए कि ये अगर आप देखेंगे तो ये भी वन है, ये भी टू है, और ये भी फाइव है। बच्चों यहां पर एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हमने भी थ्री और भी फोर को क्यों नहीं रखा हेल्पर की कैटेगरीज में? जब हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा से, इसको भी देखा जाए, इसको पूरा का पूरा जो है वर्ब के 5वें फॉर्म में हम रख देते हैं, और इसको पूरा का पूरा दूसरे फॉर्म में, और जहां पर पहला फॉर्म यूज करना होता है वहां हम भी यूज इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर हम यहां पर भी पहले, दूसरे और 5वें का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पर भी देखिए कि यहां पर पहला है, यहां पर ये देखिए कि ये दूसरा है, और यहां पर ये 5वां है।
अब यहां पर कभी भी आपके मन में यह सवाल क्यों नहीं आया कि आखिर जब हम हेल्पिंग में डू को रख रहे हैं तो डू एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, तो इसमें हमने इसके पांचवें फॉर्म को क्यों नहीं रखा? आपको अगर इसका जवाब मिले तो आप जरूर इस पर कॉमेंट करें, और नहीं तो इस सवाल का जवाब मैं आपके अगले वीडियो में जरूर दूंगा। आप इस पर सोचे जरूर, इस पर सोचना बनता है कि आखिर हमने हमेशा जब कभी भी हेल्पर का यूज किया इधर प्राइमरी वाले में तो हमेशा से पहले का इस्तेमाल किया या तो दूसरे का इस्तेमाल किया या पांचवें का इस्तेमाल किया। यहां पर बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल होगा, सर ये पांचवी कैटेगरी में कैसे है? तो मैं यहां पर बता दूं कि बी का पांचवा, मैं अभी यहां पर आपको बता देता हूं, देखो कि ये जो प्राइमरी है, चलिए इससे पहले हम बात कर लेते हैं बी की, फिर हम इसके फॉर्म पर आएंगे। तो अब देखिए, जब हम कहते हैं आई एम प्लेइंग, यहां इसका सेंस देखिए, यहां इसका सेंस है बी का। सेंस क्या है? कि काम हो रहा है, होने का सेंस आ रहा है इसमें, इसीलिए हमेशा इसके साथ बी होता है। जी हां, यहां पर होता है कि उसका होना वहां दिख रहा है कि काम हो रहा है, मैं खेल रहा हूं। जैसे आप हिंदी में ही समझ लो इसे, कि जब आप ये कहते हो कि मैं खेल रहा हूं, इसका सेंस है कि खेलने का काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं। देखिए, हमेशा से कंटिन्यूअस के बारे में बहुत सारी मान्यताएं बच्चों के अंदर है, जो कि एक भ्रम है उनके दिमाग में, कि अगर कोई यह कहता है कि राम खेल रहा है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट राम, ना, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेटस ऑफ वर्क, कि एक्शन इज गोइंग ऑन, जो खेलने का काम है वो हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि राम खेलता है, तो वहां पर भी हम एक्शन की बात करें, सब्जेक्ट से क्या फर्क पड़ता है? अब अगर राम खेलता है तो क्या श्याम नहीं खेलता? इस तरीके से इसको नहीं समझना चाहिए। जब कभी भी कोई ये कहता है किसी सब्जेक्ट को लेकर के कि राम खेलता है, मोहन जाता है, वह पढ़ता है, मैं खाता हूं, इसका मतलब है कि वहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यूटी या फिनिश्ड एक्शन में से नहीं है, ये बस फ्रिक्वेंटली होता है, कभी भी होता है, रेंडमली, इसको कहीं पर भी, ये रेंडम एक्शन है जो कहीं पर भी होता है। आप सीरियस सी बात समझिए कि जब हम यहां पर कहते हैं मैं खेल रहा हूं, यहां सेंस बी का है, और इसीलिए बंधु जब भी हम कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं, आप गौर करिए पूरे ग्रामर में, पूरे न्यूज़पेपर में, जिसे आपने पिछले 15-20 दिनों से पढ़ना शुरू किया है, आप पढ़ रहे हो, आप वहां यह गौर करो कि क्या किसी कंटिन्यूअस एक्शन को बिना इजारे, या आप जिस रेफरेंस बुक को पढ़ते हो या आपके पास जो ग्रामर बुक है, आप वहां पर भी कंटिन्यूअस के चैप्टर को पलटो, आप उसमें देखो कि क्या बिना इज आर एम के कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखा गया है? नहीं ना। क्या बिना डू डज के कोई नॉर्मल सा सेंटेंस जो ये सेंस इंडिकेट करता हो कि ये फ्रिक्वेंट एक्शन है, फ्रिक्वेंटली होता है, टाइम की सीमा से बाहर है, इसको समय सीमा में नहीं बांध सकते, कितनी देर या कुछ भी इससे पता नहीं चलता, तो आप सीधी सी बात समझिए क्या उसमें डू डज नहीं है? उसी तरीके से जब हम हैव की बात करते हैं और हम कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड, I have completed, यहां पर है कि मतलब है कि I have experienced something, मैंने कुछ चीज अनुभव कर लिया, रख लिया, now I have the knowledge about that work or the experience। सिंपल सी बात समझिए कि जब ऐसा सेंस आता है have वाला, तब हम फिनिश्ड एक्शन, वहां पर जब एक्शन लगाते हैं तो वहां पर फिनिश्ड का सेंस होता है, इसका मतलब है कि मैंने उसे अनुभव किया, या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसने उस एक्शन को अनुभव किया, चाहे वो अनुभव जैसा भी रहा हो, उसे अनुभव किया, उसे रखा अपने समझ में, अपनी समझदारी में। तो सिंपल सी बात है कि इस सेंस को समझ करके जब कभी भी अब आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना होगा, अगर आपको फिनिश्ड एक्शन बोलने की बात है, तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि हैज हैव वहां लगेगा। कंटिन्यूअस एक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर है कि आपको बी के साथ किसी ना किसी फॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा, और जब आप फ्रिक्वेंट एक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पर डू और डज की। तो अब इससे यह क्लियर होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब व्हिच हेल्प्स मेन वर्ब टू एलैबोरेट इट्स मीनिंग परफेक्टली। बहुत सारे बच्चे इस डेफिनेशन के साथ कंफ्यूज होते हैं, भाई मीनिंग आ कहां रहा है, ये मदद कर क्या रहा है? तो बंधु ये मदद कर रहा है, आप जब भी फ्रिक्वेंट एक्शन की बात करें तो वहां पर क्या करें, डू डज लगाएं, उसका फॉर्म लगाएं, जैसा नॉर्म्स आ रहा है उसको फॉलो करें। अगर आप कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो बी के कोई ना कोई फॉर्म को लगाएं, और अगर हैज हैव यानी कि फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं तो हैज हैव को लगाएं, इसका यहां पर वो उद्देश्य है। और अब देखा जाए कि जो मैंने यहां पर स्टार लगाया है, इस स्टार का मतलब यह है कि स्टार का सेंस है कि ये बोथ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब है, बोथ मेन एंड हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों की तरह एक्ट करता है, बोथ मेन और हेल्पिंग वर्ब। मतलब ये है कि जब हम प्राइमरी की बात करते हैं तो ये मेन वर्ब भी हो सकता है,
और ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो फिर मन में दुविधा हो गई बंधु कि अब इसे पहचाने कैसे। तो चलिए देखते हैं पहले कि ये मेन वर्ब कैसे है। तो मेन वर्ब का है कि या तो इसे एक्शन होना चाहिए। चलिए अगर एक्शन नहीं है तो मेरे पास दूसरा उपकरण है कि मेन वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं। अगर इसके पास पांचों फॉर्म है तो देखते हैं, भी वन, भी टू, भी थ्री, भी फोर और भी फाइव। चलिए डू को देखा जाए। जब हम डू को देख रहे हैं तो दूसरा फॉर्म है डिड, तीसरा फॉर्म है डन, चौथा फॉर्म है डूइंग और पांचवा फॉर्म है डज। जब हम हैज हैव की बात कर रहे हैं तो पहला फॉर्म है हैव, दूसरा फॉर्म है हैड, तीसरा फॉर्म है हैड, चौथा फॉर्म है हैविंग और पांचवा फॉर्म है हैज। जब हम बी की बात कर रहे हैं तो पहला फॉर्म है बी, दूसरा फॉर्म है वॉज, तीसरा फॉर्म है बिन, चौथा फॉर्म है बीइंग और पांचवा फॉर्म है इज। अब कुछ यहां पर है कि ये हर जगह पर क्लियर नहीं कर पाएगा। हर जगह पर हम अगर नॉर्मल अकेले इस्तेमाल कर दें इस किसी को भी तो ये मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा और वहां पर हेल्पिंग क्रिएट नहीं होगा। जब कभी भी आप इसे अकेले ले आओगे ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा, इसलिए आपको इसे एक एक्शन वर्ड के साथ लाना होगा और वहां पर इसे आप नहीं ला सकते। इसीलिए इसके लिए आर और अलग से एम तथा पास्ट में वॉज वर्ब का जो है प्रयोग किया जाता है। अब देखा जाए कि आपको जो मैंने यहां से सवाल पूछा वो ये सवाल पूछा कि हम हमेशा जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम इसे तीसरे और चौथे फॉर्म को नहीं यूज करते। आप यहां आसानी से देख सकते हैं, पहला दूसरा पांचवा, पांचवा पहला दूसरा, पहला दूसरा और पांचवा, सिर्फ और सिर्फ इसी का इस्तेमाल किया मैंने। तो आखिर हमने तीसरे और चौथे का इस्तेमाल हेल्पिंग के तौर पर क्यों नहीं किया? आपके पास इसका जवाब है, मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं किया। चूंकि तीसरे फॉर्म में एक मैंडेटरी है यहां पर आपको हैज हैव लगाना, चौथे फॉर्म के लिए जरूरी है इज आर एम लगाना। अगर आप इसके साथ हेल्पर यूज नहीं करोगे तो यह वर्ब नहीं बचेगा, और इसके साथ अगर आप हैज हैव इस्तेमाल नहीं करोगे तो या तो वो दूसरा फॉर्म हो जाएगा या नहीं तो वो एक्शन नहीं होगा। जी हां, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर भी थ्री है तो उसके पहले हैज हैव का होना जरूरी है, और अगर हैज हैव नहीं है और तब भी वो एक्शन बता रहा है तो भी टू है। तो बताइए, जब भी टू है तो पहले से ही तो भी टू हम यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि चूंकि भी थ्री और भी फोर को खुद भर्व होने के लिए, एक्शन बताने के लिए हेल्पर की जरूरत होती है, और इसीलिए हम कभी भी जब सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस के प्रयोग में भी थ्री और भी फोर को डायरेक्टली हेल्पर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप देखो कि जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हो, एक सेंटेंस देखो कि जब आप ऐसा लिखते हो आई हैव बीन प्लेइंग, तो देखा जाए हमने इसको कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया है, यहां पर इसे इस्तेमाल किया है। लेकिन डायरेक्टली आप कभी भी अकेले या तो तीसरे को या चौथे को कभी भी सेंटेंस में नहीं देखेंगे कि इस्तेमाल किया गया है। तो आप यहां पर यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि वर्ब का पहला, दूसरा और पांचवा फॉर्म ही आखिरकार क्यों आपके हेल्पर में यूज हुआ, तीसरा और चौथा क्यों नहीं यूज हुआ। चलिए अब हम यहां पर थोड़ी बहुत बात मॉडल की कर लें। मॉडल में बताया कि सबका अपना अपना स्पेशल मीनिंग होता है। जब वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका सबका अपना मीनिंग होता है, कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट और आउट टू। इसका सबका अपना सेंस है। सेंटेंस में जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप उसी सेंस को पाएंगे जिस सेंस का ये बना हुआ है। अब रही बात एक सवाल मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा जिसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। क्या आपने कभी सोचा है, आपके टीचर्स ने आपको यह बता दिया कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? व्हाई, क्यों? कभी आपने पूछा उनसे? और मुझे पता है, मुझे भी अपने पढ़ने के दौरान ऐसा ही कुछ जवाब मिला था टालमटोल वाला कि ये नियम है, लगता है इंग्लिश में ऐसा होता है।
बंधु आप सीधा समझो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ग्रामरियन पागल नहीं थे, उन्हें सपना नहीं आ रहा था। तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि अगर आपके पास इसका जवाब है कि आप मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही क्यों लगाते हैं, अगर इसका जवाब हो आपके पास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अन्यथा इंतजार करें, आने वाले वीडियो में इसका जवाब भी हम आपको जरूर देंगे। आपको अगर ये लगे कि सर सिर्फ कहते जा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, आप वीडियो देखने के दौरान नोटबुक पर इन सवालों को लिख कर रखे रखें, और अगर इसका जवाब ना मिले धैर्य रखें, अगर इसका जवाब ना मिले जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर आपने जवाब नहीं दिया, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। आपको ऐसा कहने की नौबत कभी नहीं आएगी, मैं खुद ब खुद एक एक करके सारे सिरे खोलता जाऊंगा, सारी बातें आपको बताता जाऊंगा। रही बात आखिरी हेल्पिंग वर्ब की, तो आखिरी हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया कि यहां पर सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम। सेमी मॉडल में नीड, डेयर और यूज टू, मतलब यह हो गया कि टोटल प्राइमरी में मेरे पास है 11, यहां पर है 10 और यहां पर है 3, यानी टोटल हेल्पिंग वर्ब जो इंग्लिश में यूज होता है ये 24। और ये 24 हेल्पिंग वर्ब, आपको एक जानकारी दे दूं कि जब कभी भी आपको सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, इसमें से किसी ना किसी की उपस्थिति आपके सेंटेंस में होनी चाहिए, अन्यथा आपका सेंटेंस नेगेटिव में चेंज नहीं होगा। अब यहां पर एक पुरानी मान्यता है जिसे मैं बदलना चाहता हूं कि आपको यह बताया गया कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट प्रयोग नहीं होता है। जब आपने कारण पूछा तो कहा गया यह नियम है। आप ये नियम नहीं है बंधु, इसे समझने की कोशिश करें। आप सीधी सी बात यहां समझ गए, मैं इसे इरेज कर देता हूं कि इसमें से कोई ना कोई एक आपको जरूर दिखेगा जब आप सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। मतलब यह है कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है ये बात आप समझिए, मैं बताता हूं। देखिए अब देखिए कि मान लीजिए कि प्ले एक एक्शन है, लेकिन ये कब तक एक्शन है, कब एक्शन ये बनेगा? अगर सोचिए कि अगर कोई सब्जेक्ट इसे ना करे, सब्जेक्ट इसे करे ही नहीं, अगर करने का काम प्ले के साथ, यानी कि प्ले के साथ अगर आप डू यानी कि करना नहीं जोड़ते, प्ले के साथ आप बी यानी कि होना नहीं जोड़ते, और प्ले के साथ आप हैव नहीं जोड़ते, तो क्या ये एक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, एक्शन में तब्दील होगा? नहीं ना। तो मेन वर्ब नेगेटिव कैसे होगा? हमारा करना नकारात्मक हो सकता है कि हम किसी काम को नहीं करें, एक्शन तो ऑलवेज रेडी होता है। सोचिए कि मैं यहीं से कूद जाऊं कैमरे के ऊपर, ठीक है, मैं छत से कूद जाऊं, क्या कूदने का काम नहीं होगा? कोई बीच सड़क पर नाचने लगे, क्या वो अंदर से आवाज आएगी कि नाचने के लिए उचित जगह का चुनाव करें, यह जगह नाचने योग्य नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बंधु। आप सीधा समझिए, ये एक व्यवहारिक समझदारी है कि कोई भी एक्शन हमेशा रेडी टू स्टार्ट होता है, निर्भर ये करता है कि सब्जेक्ट उसे करता है, कर रहा है, कर चुका है, नहीं करेगा। मतलब ये है कि एक्शन फ्रिक्वेंटली होता है, एक्शन कंटिन्यू है या एक्शन फिनिश हो चुका है। मैं बार बार आपके हिंदी को रेफरेंस इसलिए करता हूं क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं खून में बसा हुआ है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। आप इस बात को जब समझ जाएंगे कि भैया चुका है चुकी है, मैं कुछ नहीं रखा है, फिर समझने के लिए मैं कभी कभी इसका इस्तेमाल कर देता हूं कि आप उसको अपनी भाषा में समझ लो। कि सिंपल सी बात समझो कि अगर ये खेलना है, आप ऐसा कभी हुआ है कि बैट बॉल लेकर के फील्ड में गए और खेलना हुआ ही नहीं, आपने नहीं किया, आपके सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ, मतलब ये है कि एक्शन तो ऑलवेज रेडी टू स्टार्ट होता है, तो वो नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव क्या होगा कि राम खेलता है, राम खेलने का काम करता है, नहीं करेगा? डोंट, इजंट, हैवंट, ये नेगेटिव हो सकता है। तो आप सीधा समझिए कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग कर ही नहीं सकते क्योंकि वो नकारात्मक हो ही नहीं सकता है। उसका करना होना या फिनिश्ड हो जाना या उसके साथ जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है वो नेगेटिव हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को छोड़ दे, कोई किसी काम को कंटिन्यूसली करते रहे, फ्रिक्वेंटली करे, तो यह सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, एक्शन के ऊपर नहीं। तो एक्शन ऑलवेज रेडी टू स्टार्ट होता है और इसीलिए उसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। और यहां से मैं आपके बचपन के छोटे से सवाल का जवाब देता हूं कि आप बचपन में पढ़े होंगे, आपके मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा आई एम नो काउ, उन्होंने कहा होगा कि यहां पर इसके साथ नॉट नहीं लगाते। बंधु इसका छोटा सा जवाब है क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यह मेन वर्ब है और इसीलिए नॉट लगेगा यहां, आई डोंट हैव अ काउ।
सिंपल सी बात समझिए कि अगर आप नॉट लगाना चाहते हैं तो मेन वर्ब के साथ नहीं हेल्पर लाना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि मेन वर्ब कभी भी निगेटिव नहीं होता है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको अगर सेंटेंस निगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लाना ही पड़ेगा। इस सेशन के लिए इतना ही। मैं यहां पर फिर से एक बार बता दूं कि आज मैंने आपको क्या बताया। हेल्पिंग वर्ब को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, दूसरा मॉडल, तीसरा सेमी मॉडल। प्राइमरी में डू, बी और हैव, जिसमें डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और मॉडल में कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और मार्जिनल में नीड, डेयर, यूज्ड टू। सबसे बड़ी बात कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की बात कि मेन वर्ब के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा जब कभी भी आपको सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना होगा नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही करना होगा। ध्यान रखें, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप जब रीडिंग करें उस दौरान नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, जो मैंने आपको बताया वर्ब को पहचानने का तरीका, अब आज के बात जो की गई, आज इस सेशन में जो बात की गई उस सेशन की बातों को अब अपने रीडिंग में शामिल करें। धीरे धीरे आप ये भरोसा रखें अंडरस्टैंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। गॉड ब्लेस यू।